मॉर्निंग। सो वी हैव सिक्स ए, रेज योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल। सिक्स ए, वेरी गुड। सिक्स बी, देन सिक्स डी, सिक्स डी, वेरी गुड। सिक्स ई, सिक्स एफ। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टीचर्स। सो टुडे यू हैव द एक्टिविटी बच्चों। Which activity do you have? You have to make diya, candles, rangoli, yes or no? Yes, who will tell me? 6F. What is which is the activity? Card making activity. Very good, very good. Chaliye, so we have a short class today. Chaliye, jaldi se, everybody. सिट स्ट्रेट, जल्दी से हम काम करेंगे। जो हमारा थोड़ा सा व्हाट वी हैव लेफ्ट इन द मोशन, बिकॉज़ यू मे हैव टेस्ट इन, यू नो, मे बी टुडे और आफ्टर हॉलीडे, व्हेन एवर योर टीचर थे। ठीक है, सो लेट्स डू। डू यू हैव द वर्कशीट? सो यू डोंट हैव, यू हैव साइंस वर्कशीट? इफ यू डोंट हैव, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू, यू मे राइट द क्वेश्चन। तो वी विल डू असर्शन रीजन क्वेश्चन, राइट? टुडे वी विल डू, टेक योर कॉपी, असाइनमेंट छोड़ दो, असाइनमेंट छोड़ दो, ब्रिंग योर कॉपी आउट, टेक योर कॉपी पेन, ओनली दिस थिंग। वी विल डू असर्शन रीजन क्वेश्चन। राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन मोशन ऑफ अर्थ। अपनी कॉपी में लिखना है, इसी में से ही जो मैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करा रही हूं, इसी में से ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यू हैव यूनिट टेस्ट इन जनवरी, यू विल गेट दीज रीजन असर्शंस ओनली। सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, द लैंग्वेज मे चेंज इन द एग्जाम बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज ए पीरियोडिक मोशन। एवरीबडी राइट डाउन इन योर कॉपी, रीजन इज पीरियोडिक मोशन रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज फर्स्ट रीजन असम्पशन। सेकेंड, सेकेंड असर्शन इज मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ
बड़े हैंडस्टैंड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ बाय हैंड स्पैन इज द मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स द मोस्ट करेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। रीजन एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर। यू नो द चॉइसेस ए बी सी डी। हाँ जी, आपको पता है कि ए बी और सी और डी चॉइसेस क्या होती है रीजन असर्शन की, यस और नो? ओके, नाउ रीड फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल डू फर्स्ट क्वेश्चन। And I'm going to ask from Prashant 6B. Prashant 6B, हाँ जी बेटा, आ जाओ। पहले तो हम आपका माइक चेक करें। से गुड मॉर्निंग। गुड हाँ जी बेटा, ना चलनी, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? ये बताओ मुझे, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज ए पीरियोडिक मोशन, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज द करेक्ट, दिस इज करेक्ट और नॉट? कोई और नहीं बताएगा बेटा, नो बडी एल्स। प्रियोडिक एंड नॉन, बट डू यू नो प्रशांत, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रियोडिक एंड नॉन प्रियोडिक मोशन? व्हाट नहीं इज द डिफरेंस? देखो आपकी मैम जो है वो पीछे खड़ी है, फिर आगे आएंगी, पीछे जाएंगी, आगे आएंगी, पीछे जाएंगी, रेगुलर इंटरवल पे एक ही स्पीड पे वो मूव कर रही है आगे पीछे। दिस इज पीरियोडिक मोशन जो रिपीट हो रही है, राइट? सो टेल मी, आपकी जो है रोज स्कूल आना उसी टाइम पे, इफ यू कम एट द सेम टाइम डेली, दैट इज पीरियोडिक मोशन। कि यू कम एट दिस टाइम यू गो, इफ इट इज कॉन्स्टेंट, अगर सेम टाइम पे आप आते हो आगे पीछे नहीं, तो दैट इज पीरियोडिक। नाउ टेल मी, पीरियोडिक मोशन रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज करेक्ट और नॉट? इनकरेक्ट। नहीं बेटा, दिस इज करेक्ट। देख सुन प्रशांत, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, इफ द सेम मोशन इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इट इज पीरियोडिक। एवरीबडी एल्स, है ना? जैसे अर्थ है, यू नो आफ्टर 365 डेज ईच ईयर द अर्थ स्टार्ट, लेट अस से ये हम ये कहें ये सन है और इसके बाहर ये ऑर्बिट है अर्थ का। अर्थ यहां से शुरू हुई, इट रोटेट 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 एंड ऑन 31 दिसंबर इट अगेन कम्स टू एट द ओरिजिनल पॉइंट, देन अगेन रिपीट्स इट्स मोशन, अगेन आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर इट कम्स एट दिस पॉइंट एंड अगेन रिपीट्स इट्स मोशन, इज इट राइट? सो दिस इज पीरियोडिक। अगर अर्थ यहां पे आई फिर इधर चली गई, इधर चली गई, अगर ऐसा होता तो देन इट विल बिकम नॉन पीरियोडिक। जैसे हमारी मोशन जो है, मैं कभी आगे आ गई, कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, है ना? कभी मेरी कोई, आई डोंट हैव एनी फिक्स्ड मोशन, माय मोशन इज नॉट रिपीटेड, सो इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, इज इट राइट? सो टेल मी, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट। करेक्ट। सो
मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज अ पीरियोडिक मोशन बिकॉज पीरियोडिक मोशन रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो आंसर हेयर इज ए. ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन. ठीक है बैठो प्रशांत, बैठो बेटा. बोथ असर्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इसका ऑपोजिट भी आ सकता है रीजन वाली स्टेटमेंट असर्शन में, तब भी ऑप्शन ए ही आएगी. लिखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में लिखिए, राइट डाउन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. नेक्स्ट स्टूडेंट सिक्स एफ मानवी. सिक्स एफ मानवी, फर्स्ट चेक योर माइक एंड देन टेल मी द आंसर जी ऑफ सेकेंड. यस मानवी. मैम, शी इज एब्सेंट टुडे. मैम मानवी इज एब्सेंट. ओके नो प्रॉब्लम. युवराज इज देयर. आजा बेटा युवराज, आजा आजा जल्दी से. वेरी गुड. यस यस टेल मी, मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ बाई हैंड स्पैन. ऐसे हैंड स्पैन इज दिस, इफ यू कैन मेजर दिस क्लॉथ बाय दिस, इज दिस द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग क्लॉथ? मैम नो. नो. क्या आप जब वेन यू गो टू ए शॉप एंड द पर्सन गिव्स यू द क्लॉथ, डज ही मेजर बाय द हैंड स्पैन? मैम रीड इट अगेन. When you go to a shop to have the shirt piece, you want to have a new shirt, and your mother went to a shop to bring the cloth, right? To buy the cloth. Does the shopkeeper measure the cloth by hands or by a scale? And by the scale. By the scale. Why not by hand? Because it is not accurate. Yes? Because accurate. Because it is inaccurate, not accurate. Accurate means correct method. Hand span से measure करना कोई correct method नहीं है. किसी का hand span छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है. Yes or no? Yes. Now tell me, is this statement correct or wrong then? मिस इज करेक्ट, नॉन करेक्ट. Not correct. This is false statement. Not this. This is SI unit means international units for measuring the distance is centimeter, meter, kilometer. Is this correct or not? एम करेक्ट, This is correct. ये किसने, पीछे लड़कियों ने बताया कि खुद बताया? एम खुद बताया है. Very good. This is correct. तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? ऑप्शन डी. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो. वेरी गुड. सिट डाउन बेटा. सो हियर राइट डाउन assertion incorrect, reason correct, reason statement correct. तो यहां पे ऑप्शन आ जाती है डी. राइट डाउन असर्शन. स्विंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्विंग, है ना, झूले पे बैठते, आगे पीछे आगे पीछे. स्विंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, राइट डाउन.
इम्पोर्टेंट रीजन ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेशन सिक्स डी ब्रह्मप्रीत कौर सिक्स डी ब्रह्मप्रीत पहले बेटा माइक चेक करो अपना सिक्स डी का आई कांट हियर सिक्स डी सिक्स ई बेटा माइक चेक करो अपना सिक्स ई बोलो जरा मैम हाँ जी सिक्स ई में से आ जाइए बेटा एकम एब्सेंट एकम इज एब्सेंट देन वी कम हरकीरत सिंह हरकीरत बेटा जल्दी से बताओ ये आंसर यस यस टेल मी स्विंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्विंग आप झूलते हो बेटा झूले पे बैठे हो कभी स्विंग पता है क्या होता है यस हरकीरत जल्दी से है मम्मी इज इट एन ऑसिलेटरी मोशन यस यस इज इट अ पीरियोडिक मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर सम टाइम व्हाई नो बेटा पीरियोडिक ही है ना ऐसे ऐसे ही तो करते हो ऐसे 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 इट इज रिपीटिंग इज इट यस इट इज बोथ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दिस स्टेटमेंट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन ट्रू ऑल पीरियोडिक मोशंस पीरियोडिक मोशन बेटा हमने तो अर्थ की भी बताई अर्थ की भी पीरियोडिक मोशन है इज इट ऑसिलेटरी मोशन यस बेटा डू यू नो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन पता है आपको नो नहीं पता पेंडुलम देखा है आपने पेंडुलम यस कैसे करते हैं यहां से बंधा होता है दिस 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 इजंट इट दिस इज ऑसिलेटरी मोशन एक जगह से फिक्स्ड है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है आप अपनी बाजू हिलाओ ऐसे ऐसे करके आगे को जाओ थोड़ी सी इधर को जाओ बेंच की साइड में हो हाँ पीछे की तरफ बिल्कुल आगे पीछे करो ऐसे 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 फिक्स है ना आपकी बाजू और आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है दिस इज ऑसिलेटरी मोशन स्विंग देखा है आपने स्विंग देखा है ना वो क्या करता है पीछे जाता है आगे आता है पीछे जाता है आगे आता है फिक्स होता है ना एक जगह पर दिस इज ऑसिलेटरी मोशन बट अगर आपकी कार राउंड अबाउट पे घूम रही है चंडीगढ़ में कभी आए हो सर्कल होता है उसके एक तरफ से आई इधर को चल के इधर को चली गई इज इट ऑसिलेटरी ठीक है आपकी कार जो है आप आए हो बस में आए हो कार में आए हो ये राउंड अबाउट है ये सर्कल बना हुआ है आपकी कार यहाँ से आई यहाँ से आई यहाँ से आई यहाँ से आई और यहाँ चली गई एक ये मोशन है एक मोशन है आपका झूला है ठीक है ये पोल लगे है ये आपका झूला है ये पीछे जा रहा है आगे आ रहा है पीछे जा रहा है आगे आ रहा है एक पेंडुलम है ये फिक्स्ड है ये इधर को जाता है इधर को जाता है यस और नो तो मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से ऑसिलेटरी कौन सी नहीं है मैम ए ए ऑसिलेटरी नहीं है
ऑसिलेटरी पता समझ में आ गई आपको कि नहीं? ठीक एम है, अर्थ की मोशन क्योंकि रिपीट हो रही है, हर साल दोबारा से शुरू हो जाती है, ईच ईयर इट इज रिपीटेड, सो इट इज पीरियोडिक मोशन, इज इट ओके? एस ठीक है, अगर हम जो आर्मी है मार्च पास्ट कर रही है, उसकी बाजू हिल रही है ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक, ठीक है, जब तक वो मूव कर रही है, राइट? अर्थ की मूवमेंट पीरियोडिक तो है, बट क्या ये ऑसिलेटरी है? नो नो, इट मींस ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, दे कैन बी सर्कुलर आल्सो, दे कैन बी रेक्टिलिनियर आल्सो, ओके? ऑसिलेटरी यस पता चल गई आपको? आपकी मैम यस मैम जो है वो मूव कर रही है एक रोज के बीच में, है ना, इधर से उधर, उधर से इधर, इनकी कौन सी यस मोशन है? सर्कुलर है, ऑसिलेटरी है कि रेक्टिलिनियर है? रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर है। और अगर ये सेम स्पीड पे चलती रहे, सेम स्पीड पे आए, फिर पीछे जाए, फिर आगे आए, सेम स्पीड पे, अभी तो वो आपको देखने के लिए कहीं पे रुकती है, कहीं पे इधर उधर, इफ शी मूव एट द सेम स्पीड, तो उनकी कौन सी मोशन हो जाएगी? रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक, राइट? यस आपकी क्लॉक है ना, जो आपकी वो होती है वॉल क्लॉक है, उसमें आपने देखे बिग, जो बिग नीडल एंड स्मॉल नीडल है मम्मी यस ना, वो भी ऐसे रोटेट करती है स्पेसिफिक मम्मी यस टाइम पे, बारह मम्मी यस पे पहुंचती है, 12 पे पहुंचती है, फिर रिपीट करती है, वो मम्मी यस क्या है? क्या वो ऑसिलेटरी है? नो, मम नो बट वो पीरियोडिक है कि नहीं? इज इट पीरियोडिक, इज इट रिपीटेड? मम्मी यस Then it is periodic, right? So this यस statement, now you understood? Let चलो, बैठो बेटा, very good. So all periodic motions are oscillatory. This is not true. Periodic motions can be rectilinear. They can be oscillatory. They can be circular. So this is false. So when assertion is true, reason is false. ऑप्शन सी, सबको ये चीज समझ में आ गई? टीचर्स जब इनको लेके जाना हो तो मुझे बता देना, इज इट ओके? क्लियर है बच्चों? ठीक है, यस चलिए चलिए, अब हम थोड़ा सा डेली लाइफ के बाद हम बात करें, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल आपने बेटा उसका किसका, श्री देवी का गाना सुना है, अखियां घुमाऊं कभी अखियां चुराऊं, कुछ ऐसा सा गाना है, आई डोंट रिमेम्बर, हैव यू एवर हर्ड? नो, रोटेट योर आई बॉल, आई बॉल को ऊपर ऐसे करके रोटेट करो, ऊपर देखो, साइड में देखो, नीचे देखो, इधर देखो, देखो करो अपना और अपने फ्रेंड्स का देखो, जरा किसी का देखो, अपने साथ जो बैठे हैं, डज इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, यस और नो? यस तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल जब सभी डायरेक्शंस में मूव करे तो इट इज रोटेशनल मोशन, राइट? सो इन अवर बॉडी ऑल्सो देयर अकर्स डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, लिखो अपनी कॉपी में फटाफट से, बस फिर हम खत्म करेंगे, मूवमेंट ऑफ आई बॉल व्हेन वी सी ऑल अराउंड, मूवमेंट ऑफ आई बॉल व्हेन वी सी ऑल अराउंड इज दिस सर्कुलर मोशन, रोटेशनल तो नहीं हम कहेंगे, सर्कुलर मोशन, यू हैव स्टडीड, यू हैव ड्रॉन द डायग्राम, आई होप सो, इन फिफ्थ क्लास यू हैव स्टडीड डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है कि नहीं? यस, यू, दिस इज माउथ एंड देन देयर कम्स फूड पाइप, राइट? सो द फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू फूड पाइप, व्हाट इज द मोशन ऑफ द फूड, कौन सी मोशन है? जल्दी से मुझे बताएं, कोई भी हाथ खड़ा करके बताएं, इज इट रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, इज इट ऑसिलेटरी? यस, इन सिक्स्थ, अपना माइक ऑन करो पहले बेटा,
मिडल रो में जो बच्चा है। हाँ, जूम से माइक ऑन करो। हाँ बोलो बेटा। रेक्टिलिनियर। यस इट इज रेक्टिलिनियर। सो राइट डाउन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फूड पाइप। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फूड पाइप रेक्टिलिनियर मोशन। देन विराट कोहली बाउल्स। हाँ जी, जब विराट कोहली ने बॉलिंग करनी है, हाँ जी, तो ऐसे करके बाजू को ऐसे घुमाता है पूरे सर पर। ये कौन सी मोशन होगी? ये सिक्स बी। बोलो जोर से बोलो जिसके पास है, फटाफट से जो बताता है। हाँ, रोटेशनल। रोटेशनल मोशन। बिल्कुल ठीक है। राइट डाउन। देयर इज, नेक्स्ट इज देयर इज रोटेशनल मोशन ऑफ आर्म। ऑफ विराट व्हेन ही बॉल्स। व्हेन ही डज बॉलिंग देयर। गुड मॉर्निंग मैम, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट वी हैव एन एक्टिविटी फॉर दिवाली। ओके मैम, बस मैं एक क्वेश्चन करा के देन आई विल लीव। फाइन मैम। नेक्स्ट इज बेटा मोशन ऑफ लाइट। टेल मी मोशन ऑफ लाइट। अच्छा बेटा, इधर से अगर मैं देखूं, कैन आई सी यू, यस और नो? अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, कैन आई सी? व्हाई? बिकॉज लाइट मूव्स इन लॉस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर। राइट डाउन मोशन ऑफ लाइट। मोशन ऑफ लाइट इट इज रेक्टिलिनियर मोशन। यू हैव ए ग्लास ऑफ वॉटर। हियर दीज आर वॉटर मॉलिक्यूल। दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। समटाइम्स मूविंग हियर, हियर। विच इज दिस मूवमेंट? दिस इज रैंडम मोशन। राइट डाउन मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, मोशन ऑफ वॉटर इन ए ग्लास। इट इज रेंडम मोशन, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। रेंडम मोशन मीन्स नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट। कौन सी मोशन है बेटा? जल्दी से। यस, रेक्टिलिनियर। लाइट ऑन। इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट, रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज ऑल अबाउट मोशन। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्टिविटी। ठीक है, फन टाइम है, फेस्टिवल टाइम है। आई होप वी विल मीट। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी दिवाली एंड ऑल द बाय बेस्ट। मैम। अगर आपका कॉम्पिटिशन है तो ऑल द बेस्ट। बाय बाय, दिवाली हैप्पी दिवाली बच्चों। हैप्पी दिवाली बेटा, मैम। गुड हैप्पी नाइट। दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली बच्चों।